Hello students, welcome to CG Board online classes. So today we are going to start our new lesson that is Miracle Couriers. So, this is from your book, class 6th course book, My English Garden. Unit 6 Diversity. So, Unit 6 Diversity mein section A humne cover tha that is colour of my dreams. And this is section B, Miracle Couriers. So Unit six diversity diversity basically explains about the people with disabilities. So diversity regarding people with disabilities. For example, in our section A, we have discussed people or a child with dyslexia. So do you remember dyslexia? What is the disease? What is the symptoms of the disease? Dyslexia. So in this chapter, miracle couriers. We will study about the people with disabilities in hearing and speaking. Okay, the people who cannot speak and listen. That is about deaf and dumb. Okay, so who wrote Miracle Couriers? Miracle Couriers actually is the name of a company. That is courier company. Miracle Courier a courier company. Hai. So courier means. जो भी पार्सल सर्विस प्रोवाइड करते हैं ठीक है कुरियर ट्रांसफर करते हैं जो भी यहाँ से वहाँ लेटर्स हो सकते हैं कोई भी आपके सामान हो सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं गिफ्ट्स हो सकते हैं गिफ्ट आइटम गुड्स एक्सेट्रा ओके सो हु रोट मेरेकल कुरियर्स जो मेरेकल कुरियर्स के सी ए हैं इट इज अ कंपनी एंड द सी ओ ऑफ मेरेकल कुरियर्स इज ध्रुव लाकरा सो ध्रुव लाकरा इनके बारे में हम पढ़ेंगे वॉट डिड ही डू एक्चुअली इन लाइफ एंड वॉट अबाउट एंड एक्सपीरियंस ध्रुव लाकरा ने के नाम से एक कंपनी एक बिजनेस स्टार्ट किया था फॉर होम फॉर द पीपल विद डिस एंडबिलिटी किसमें होनी चाहिए डेफ एंड डम ओके जो गूंगे और बहरे लोग होते हैं उनके लिए उन्होंने एक मेरेकल कोरियर कंपनी स्टार्ट की थी जो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके थ्रूस एक्सपीरियंस रेंजेस फ्रॉम हेल्पिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस स्किल प्रोग्राम्स मेजर देयर इम्पैक्ट डेवलप स्किल सेट्स फॉर द प्रोग्राम स्टाफ एंड एंगेज इन स्ट्रेटजिक प्लानिंग टू डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एडवाइजिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ऑन इफेक्टिव गिविंग सो ध्रुव लाकरा जो उनका एक्सपीरियंस है वो कहाँ से कहाँ तक है कि वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के स्केल प्रोग्राम जो होते हैं उनको हेल्प करते हैं उनका इम्पैक्ट क्या है उसका क्या रिजल्ट आया क्या रहा उसका रिज़ल्ट उसको मेजर करना उनके लिए जितने भी प्रोग्राम्स के लिए या स्टाफ के लिए क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है उनमें वो स्किल्स का डेवलपमेंट करना किसके लिए किस टाइप की नीड है वो वाली स्किल प्रोवाइड करना एंड एंगेज इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एक स्ट्रेटेजिक वे पे प्लानिंग करना डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करना एंड एडवाइसिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ऑन इफेक्टिव गिविंग और जिससे हम अच्छा सा अच्छा आउटपुट गेन कर सके सो दिस वॉज द वर्क ऑफ थ्रू लाकरा ही वॉज नेम्ड स्कॉलर इन टू थाउजेंड एट एट द सेट बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सफोर्ड में ध्रुव okay? लाकरा क्या थे इन टू थाउजेंड एट सो दिस इज अबाउट ध्रुला अगर आप ध्रुला के बारे में और जानना चाहते हैं कि क्या रहा वो कैसे सेटअप किए बिजनेस तो आप अगर चाहेंगे तो गूगल में यूट्यूब में देख सकते हैं कि उनके उन्होंने जो अपनी फर्स्ट कंपनी स्टार्ट की थी वो की थी बॉम्बे में सो ही इज वेरी फेमस पर्सनैलिटी क्योंकि वो फाउंडर हैं सी हैं मेरेकल कुरियर्स कंपनी के मतलब उन्होंने कुछ डिफरेंट सोचा है ना डिसेबल डिसेबल पर्सन के बारे में सोचा कि उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए और ये जो लेसन है मिरेकल कोरियर्स ये उनकी लाइफ से रिलेटेड एक इंसिडेंट का ही एक पार्ट है कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया लाइफ में जो उन्हें मोटिवेट किया इंस्पायर किया मिरेकल कोरियर्स को स्टेब्लिश करने में ओके सो लेट्स स्टार्ट मिरेकल कोरियर्स देयर आर मेनी पीपल हु हैव सेट अप स्मॉल बिजनेसेस दैट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दोज विथ डिसबिलिटीज दिस प्रूव्स दैट एवरी कैन वर्क No matter what challenges life may throw up, if you had to start such a business, what would it what would it be? So बहुत सारे लोग होते हैं जो small business set up करते हैं, जो provide करता है, जो job employment provide करता है, ऐसे person को जिन जो disable होते हैं, या तो जो handicapped होते हैं, physically disable किसी भी तरीके से हो सकते हैं। चल नहीं सकते देख नहीं सकते सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते ओके? डेफ, ब्लाइंड, ये डिसेबिलिटीज़ के साथ जो पीपल होते हैं दे कैन ऑल्सो वर्क ओके ये प्रूव करता है कि एवरी कैन वर्क ये मैटर नहीं करता है कि लाइफ ने उन्हें क्या चैलेंज दिया है कि उन्हें डिसेबल बनाया है वो वर्क कर सकते हैं सो इट इज दियर विल पावर ओके की उनमें जो एक्स्ट्रा एबिलिटीज होती है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डीपर्सन डेफ पर्सन है उनका विजुअल पावर क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन इसी तरीके से जो ब्लाइंड होते हैं उनके जो सेंस है ना जो सेंस मतलब स्मेल और जो अदर स्किल्स है हियरिंग वो ज्यादा ही डेवलप होती, होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है इफ यू है स्टार्ट सच बिजनेस अगर आपको भी ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना है किसके लिए पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए डिसेबल डिसबल के लिए सो so आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे ऐसा क्या हो सकता है ओके यस सो नाउ वी स्टार्ट अवर लेसन मिरेकल मेरे वॉज फाउंडेड इन जनवरी टू थाउजेंड नाइन मेरेकल कुरियर्स जनवरी टू थाउजेंड नाइन में फाउंड की गई इट वॉज स्टार्टेड सोशल एंटरप्राइज सो ध्रु लाकर ने स्टार्ट किया था ये जो कंपनी थी मेरेकल कोरियर्स और उन्होंने अपनी एजुकेशन और अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है दोनों ही अपने बिजनेस में कम्पाइन कम्बाइन किया उन्होंने लाइफ में जो अनुभव किया कि जैसा उनका एक्सपीरियंस था हो सकता है वो कांटेक्ट में आए है ना एक्चुअल में वो डेफ एंड डम पीपल के कांटेक्ट में आए और उन्हें ऐसे फील हुआ उन्हें नीड लगी कि इनके लिए अंदर से उन्हें इंस्पिरेशन आया कि मुझे कुछ करना है डेफ एंड डम डिसेबल पीपल के लिए तो उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया अपने एजुकेशन और एंड एक्सपीरियंस का यूज करते हुए एंड सोशल सेक्टर्स टू कम फॉर प्रॉफिट सोशल फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज और जो सोशल सेक्टर्स हैं वो और भी ज्यादा फॉर प्रॉफिट के लिए सोशल एंटरप्राइज के लिए वो सामने आए सोशल सेक्टर्स में अपना बिजनेस डेवलप किए और ऐसे पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए द आइडिया टू हेल्प द डेफ वॉज ट्रिगर्ड बाय वन पर्टिकुलर इंसिडेंट ही एक्सपीरियंस वर्ल्ड ट्रेवलिंग ऑन अ बस इन मुंबई जो ये आइडिया था टू हेल्प द डेफ कि जो डेफ हैं, जो एक्चुअल में सुन नहीं सकते हैं उनके लिए ये डेवलप करना उनके लिए कोई कंपनी स्टार्ट करना या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का जो आइडिया था उन्हें हेल्प करने का ये कब उनके माइंड में आया जब वो उनकी लाइफ की एक इंसिडेंट थी जिसमें उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि उन्हें एक्चुअल में उनकी नीड उनकी हेल्प करनी है दैट वाज वेन ही वॉज ट्रेवलिंग ऑन अ बस इन मुंबई जब वो बस में ट्रेवल कर रहे थे कहाँ मुंबई में तो वो मुंबई में ही अपनी फर्स्ट कंपनी जो फर्स्ट ब्रांच थी मेरे कल कोरियर वो स्टार्ट किए थे ओके। ध्रु वॉज सिटिंग ऑन अ बस नेक्स्ट वो यंग बॉय लुकिंग एगर्ली आउट ऑफ द विंडो एक बार ध्रुव बस में बैठे हुए थे जस्ट एक बॉय के बगल में है ना और वो बिल्कुल एगरली विंडो से बाहर देख रहा था उत्सुकता के साथ इनफेक्ट ही वॉज नॉट जस्ट एगर तो वो सिर्फ ईगर नहीं था उत्सुक बस नहीं था बट वेरी रेस्टलेस मतलब वो बहुत ही अशांत नजर आ रहा था रेस्टलेस ही वो बिल्कुल भी ऑन्शियस मतलब चिंतित होकर पूरी तरह देख रहा था चारों तरफ देख रहा था सीमिंग स्लाइटली लॉस्ट वो ऐसा दिख रहा था बिल्कुल कि वो लॉस्ट हो चुका है कि वो खो गया है उसमें बिल्कुल वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था

ही वॉज डेफ एंड डम तो वो बहरा भी था एंड डम भी था घूंगा भी था दो द बस कंडक्टर रेगुलरलीउंस दस कंडक्टर था वो तो जब भी स्टॉप आता है तो वो बिल्कुल अनाउंस करता है ना कि ये वाला स्टॉप हो गया हर स्टॉप का जो वार्ड का नाम लेकर दिस बॉय स्टिल डिड नॉट अब ये जो बॉय है है नुक एट दिस पिक्चर ये जो बॉय है उसने अभी भी क्या किया डिड नॉट रिस्पॉन्ड कोई भी रिप्लाई नहीं किया उस टाइम भी तो कोई भी उसका मतलब कोई भी उसका क्या था रिस्पॉन्स नहीं था क्योंकि वो तो सुन ही नहीं सकता था तो चाहे चारों तरफ कोई भी आवाज आ रही हो उसे तो सुना ही नहीं दे रहा था दिस बॉय स्टिल डिड नॉट नो वेयर ही वॉज कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ था ओके सो लुक एट दिस पिक्चर एक ध्रुव है और ये बॉय है और ये दोनों क्या है कैसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं राइटिंग के थ्रू कि वो राइटिंग करके कन्वर्सेशन कर रहा था हिंदी में राइटिंग करके कि उसे कहाँ जाना है फिर वो रिप्लाई किया होगा कि मुझे इस बस स्टॉप पे यहाँ पर उतरना है और इस तरीके से वो जान पाए कि कितनी प्रॉब्लम हो रही थी कि एक जो सिंपल सी जो ट्रैवलिंग है बस ट्रैवलिंग जो हमारे नॉर्मल पीपल के लिए बहुत ही ईजी होती है वो उस बॉय के लिए डेफ एंड डम बॉय के लिए वो भी बहुत क्या थी स्ट्रगलिंग थी सो so,

ये जो पेपर के थ्रू है ना पेपर और पेन के जो राइटिंग के थ्रू बैक एंड ये जो प्रोसेस के थ्रू उसे ये हुआ ध्रुव को कि कितनी थी लाइफ डेफ के लिए कि जो सुन नहीं सकते हैं उन्हें इस तरीके से कन्वर्सेशन करके एक सिंपल सी चीज बतानी पड़ रही है समथिंग एज अ स्टेट फॉरवर्ड एज अ बस राइड बिकेम अ स्ट्रगलिंग स्ट्रगल तो बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे एक बस राइड भी उनके लिए क्या बन गया था इतना बड़ा स्ट्रगल बन गया था जो एक्चुअल में एक नॉर्मल चीज थी डेफनेस इज एन इनविजिबल डिसेबिलिटी। इट इज नॉट वेरी इजी टू रियलाइज दैट वन नियर यू इज डेफ एज देर आर नो ऑब्वियस फिजिकल डेफनेस है जो बहरापन होता है जहां हम सुन नहीं सकते ये बहुत ही कैसे डिसेबिलिटी है इनविजिबल जिसे हम देख नहीं सकते ऐसी डिसेबिलिटी है मतलब अगर आप किसी पर्सन को देखेंगे जो डेफ पर्सन है तो वो आपको कैसा दिखाई देगा बिल्कुल वो नॉर्मल पर्सन की तरह ही दिखाई देगा उसे देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो सुन नहीं सकता है उसके भी कान होते हैं इट इज नॉट वेरी इजी टू रियलाइज दैट समवन नियर यू इज डेफ एज देयर आर नो ऑब्वियस फिजिकल एट्रीब्यूट तो कोई भी फिजिकल एट्रीब्यूट फिजिकल फीचर्स या फिजिकल ऐसा क्वालिटी या कि अगर जो सुन नहीं सकता उसके कान नहीं है ऐसा तो कुछ होता नहीं है सो so, इसे पहचानना बहुत ही क्या हो जाता है डिफिकल्ट हो जाता है कि पर्सन जो आपके बगल में बैठा है जो आपके नियर बाय है वो क्या है डेफ है सो लुक एट दिस पिक्चर एंटरप्राइज कंपनी और बिजनेस एट्रीब्यूट मीन फीचर एंड ये जो पिक्चर है ये शो कर रही है हमें साइन लैंग्वेज के बारे में कि जो डेफ पर्सन है या डम पर्सन है वो यूज करते हैं साइन लैंग्वेज का क्योंकि वो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते तो वो किस तरीके से बात करते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज जो Indian है, वो इंडियन साइन लैंग्वेज से बात करते हैं तो उनके जो डिफरेंट ये जेस्चर हैं ये शो करते हैं डिफरेंट साइंस जो जेस्चर हैं जो बॉडी मूवमेंट है कि किसकी किस साइन किस की क्या मीनिंग होती है फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉय है मीनिंग ठीक है इस तरीके का जो फर्स्ट पिक्चर लुक एट दिस फर्स्ट पिक्चर यस लुक एट दिस फर्स्ट पिक्चर दिस साइन मीन्स यस दिस साइन मीन्स नो सिमिलरली यहां पर आप देख रहे होंगे ये क्या है हेलो का साइन है देन आफ्टर ये जो एडजेक्टिव है किसी को ग्रेटफुल या थैंक यू बोलना है तो इस तरीके से हेलो इस तरीके से देन आफ्टर ईट ईट फूड और मील के लिए इस तरीके से इस जेस्टर देना है तो ये सारी साइन लैंग्वेज है दिस मीन्स ड्रिंकिंग लास्ट पिक्चर इज शोइंग ड्रिंकिंग ओके सो ये साइन लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रही है फिल्म, ये फिल्म, पिक्चर्स, इमेजेस नाउ नेक्स्ट इज लुक एट दिस पिक्चर्स लुक एट दीज पिक्चर्स ऑल्सो यहां पर देखिए, जब किसी से फ्रेंड बनाना है फ्रेंड मीट या फ्रेंडशिप तो ये वाला आपका साइन है देन आफ्टर अगर कोई पीसफुल है सो so ये सेकेंड वाली पिक्चर शो कर रही है इट्स पीसफुल थर्ड इज स्कूल फोर्थ हु प्रोनाउन के लिए है हु एंड देन अपोलोजाइज ओके आपको किसी से माफी मांगनी है सॉरी कहना है सो दिस इज द साइन देन आफ्टर लास्ट इज जब हम ऐसे न्यूज पेपर रीडिंग करते हैं तो ऐसे ओपन करते हैं ना अपने हैंड्स को स्प्रेड करके सो दिस इज फॉर न्यूज पेपर ओके सो आपने देखा होगा कि ये किस तरीके से जो साइन लैंग्वेज है वो हेल्प करती है जो डेफ एंड डम पीपल है उनको कन्वर्सेशन में उनको कम्युनिकेट करने में अपनी फीलिंग्स को अपने थॉट्स को शेयर करने में बिकॉज जो डेफ पीपल है उनकी वो सुन नहीं सकते एंड जो डम्ब है वो बोल नहीं सकते एंड उनके पास कोई भी ऐसा कोई फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं होता है डेफनेस एंड डमनेस का कि वो शो कर सके कि वो डेफ है या डम्ब है नाउ नेक्स्ट इज इट अ साइलेंट वॉइसलेस डिसेबिलिटी ये और किस टाइप की डिसबिलिटी है वॉइसलेस साइलेंट मतलब और कोई डिसेबल तो कुछ हम उसका एक तो हम वैसी साइन देख सकते हैं उसकी बॉडी देख सकते हैं तो हमें विजुअल भी पता चल जाता है कि वो डेफ है और साथ में अगर कुछ में उसमें मूवमेंट है कुछ इस टाइप का है कि उनकी बातों से पता चले बट यहां तो एकदम साइलेंट कि कोई भी उसका विजुअल साइन नहीं है कोई भी कोई भी फिजिकल फीचर नहीं है जिससे हम पहचान सके पर्सन को कि वो डेफ है या डम्प है देर इज वेरी लिटिल पब्लिक सिंपैथी फॉर द डेफ और डेफ लोग एंड बाय कनेक्शन देयर इज सीवियर लैक ऑफ सपोर्ट फॉर देम इन इंडिया सो जो पीपल है जो पब्लिक है उनमें भी सैंपेथी बहुत ही कम होती है सैंपे की भावना मतलब उनके लिए सहानुभूति डेफ के लिए बहुत ही कम होती है क्योंकि क्या वो नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं देख रहे हैं तो उनके लिए कोई समझ ही नहीं पाता कि उनको एक्चुअल में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्या उनकी नीड है ठीक है एंड बाय कनेक्शन देयर इज अ सीवियर लैक ऑफ सपोर्ट फॉर दैम इन इंडिया और इंडिया में उनके लिए सपोर्ट सिस्टम की भी बहुत बड़ी कमी है उनके लिए गवर्नमेंट ने या इतना ज्यादा उनके लिए या बिजनेस इस तरीके से नहीं है कि उनकी हेल्प की जा सके अब तो बहुत हैं बट ये स्टार्टिंग में बहुत ही प्रॉब्लम थी ठीक है ना जब ध्रुव लाकरा ने ये रियलाइज किया किया जब स्टार्ट ठीक है और उस समय तक के बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस होते थे पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें उनके लिए ये तो बना दिया जाता है कि यहाँ पर उन्हें रहना है और फ्री ऑफ कॉस्ट उनके हो सकते हैं फूड प्रोवाइड कर दिए जाए बट उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कुछ होना चाहिए पेशेंस और फोर साइड टू लर्न साइन लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द डेफ सो यहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी कम होती है बिजनेस की जॉब की क्यों बिकॉज पेशेंस रखना पड़ता है हमें बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है और द फोर साइट और उसके लिए फोर्स मीन होता है टू प्रिडिक्ट कि अनुमान लगाना या कि क्या उसकी नीड है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर नीड इज कॉल्ड फोर साइट टू लर्न साइन लैंग्वेज कि हमें बिल्कुल भी कोई ये नहीं सोच पाता है कि इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में कि हमें साइन लैंग्वेज को लर्न करना है एंड अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द डेफ और जो डेफ है उनका जो कल्चर है वो किस तरीके से एक्ट करते हैं बिहेव करते हैं उसको समझने के लिए किसी में इतना पेशेंस नहीं होता है सब जल्दी में होते हैं सब नहीं चाहते कि हम तो बोल सकते हैं इजिली सुन सकते हैं तो फिर हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें साइन लैंग्वेज को लर्न करने में या किसी डेफ पीपल के साथ टाइम स्पेंड करने में उसके कल्चर को समझने में और एम्प्लॉयमेंट तो फिर भूल जाओ क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट तो कोई क्यों देगा कोई कि जब उनके साथ क्या है उनको लगेगा कि अगर ऐसे पर्सन की जगह में एक नॉर्मल पीपल को जॉब में रखूंगा तो उसे आउटपुट ज्यादा मिलेगा तो उन्हें जल्दी से कोई अपॉर्चुनिटीज उनके लिए नहीं होती है उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है दिस इज वॉट मेड थ्रू सेट अप मेरिकल कोरियर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द डेफ हेल्पिंग ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिलायंस सो यही कारण था कि जिसकी वजह से ध्रुव लाकरा ने क्या, क्या? किया मेरेकल कोरियर्स बिजनेस स्टार्ट किया ठीक है सेटअप मेरेकल कोरियर्स मेरेकल कोरियर्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रोवाइड्स वो प्रोवाइड करती है इंप्लॉयमेंट रोजगार प्रोवाइड करती है किसे डेफ पीपल को हेल्पिंग देम लीव और उन्हें हेल्प करती है एक जो डिग्निटी एक जो आत्मसम्मान वाली सेल्फ रिलायंस वाली जो लाइफ है कि वो सेल्फ डिपेंड सेल्फ रिलायंस होते हैं उन्हें अपनी एबिलिटी पर क्या होता है अपने पावर पर पर एबिलिटी क्या होता होता है है ट्रस्ट कि अदर्स की पावर अदर्स एबिलिटी के बजाय वो खुद पर क्या कर पाते हैं उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है तो इस तरीके से वो आत्मसम्मान वाली सेल्फ रिलायंस वाली लाइफ क्या करते है? जी सकते हैं सो इट वॉज स्टार्टेड बाय ध्रुव लाकरा ठीक है एंड द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द नेम ऑफ कंपनी इज मिरेकल कोरियर्स सो नेक्स्ट इज सेटिंग अप मिरेकल कोरियर्स वॉज नॉट ईजी थ्रू इनिशियली spent अ लॉट ऑफ टाइम एक्सप्लोरिंग द कल्चर ऑफ द डेफ एंड लर्निंग द इंडियन साइन लैंग्वेज सो मिरेकल कोरियर या किसी भी कंपनी को स्टार्ट करना बहुत ही क्या होता है स्टार्टिंग में बहुत ही चैलेंजिंग होता है और इस टाइप की कंपनी जिसमें डिसेबल डेफ पीपल काम करे वो तो और भी टफ था ध्रुव शुरू में क्या किए वो बहुत ही टाइम अपना एक्सप्लोर किए ठीक है टाइम स्पेंड किए किस किस लिए कल्चर को समझने के लिए डेफ के और इंडियन जो साइन लैंग्वेज है उसको लर्न करने के लिए ही देन फोकस्ड ऑन अरियर बिजनेस उसके बाद वो एक कुरियर बिजनेस पे फोकस किए बिकॉज क्यों फोकस किए

बातों से कम्युनिकेट करते हैं दैट इज कॉल्ड योर वर्बल कम्युनिकेशन तो उसकी नीड नहीं होती है वर्ड्स की द डेफ आर एक्सट्रीमली गुड एट मैप रीडिंग एंड रिमेंबरिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स बिकॉज दे आर मोर विजुअली इंक्लाइंड जो डेफ होते हैं वो बहुत ही गुड होते हैं शार्प होते हैं मैप रीडिंग में और रोड्स वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह को क्या करने में रिमेंबर करने में क्योंकि उनका जो विजुअल इंक्लाइनेशन है विजुअल पावर है वो उनका ज्यादा होता है एस कम्पेयर टू देयर लिस्निंग एंड स्पीकिंग सो उनका listening and speaking अगर नहीं है जिनके में तो उनके में एक्सट्राबिलिटी पावरफुल होते हैं ठीक है ये हमने द फॉग जो आपका चैप्टर था क्लास सेवेंथ में आप देखेंगे उसमें भी अगर कोई डिसेबल है अगर जो कोई ब्लाइंड पर्सन है तो उसकी क्या होंगी हेयरिंग पावर ज्यादा होंगे सिमिलरली यहाँ पर डेफ एंड डम्ब है तो उनका क्या होगा विजुअल पावर जो आई पावर है वो ज्यादा होगा वो ज्यादा ही विजुअली इंक्लाइंड होंगे यूजिंग दिस स्ट्रेंथ ऑफ द डेफ थ्रू मैनेज टू ड्रॉ द बेस्ट आउट ऑफ द इम्प्लॉयज सो ध्रू मैनेज इस जो स्ट्रेंथ थी डेफ की जो ये स्ट्रेंथ थी कि वो उनका विजुअल पावर को यूज करके ध्रुव ने क्या किया जो इम्प्लॉयज है उनमें से बेस्ट है ना बेस्ट चीज अचीव कर ली कि उनकी जो बेस्ट है उनका जो स्ट्रेंथ है उसको ही यूज किया जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए ब्रांचेस so, उनकी इम्प्लॉय सेवेंटी डेफ इंप्लाइज एंड डिलीवरिंग ओवर सिक्सटी फाइव थाउजेंड शिपमेंट पर मंथ सो इसकी जो टू ब्रांचेस थी उसकी जो फर्स्ट ब्रांच थी एक्चुअल में मुंबई में थी और जो वो कितने उसमें स्टार्टिंग में सेवेंटी 70 डेफ थे. 70, 70 थे और जो डिलीवर करते थे शिपमेंट्स पर मंथ तो शिपिंग कितनी होती थी मंथ में ओवर तो ये सेवेंटी जो थे, 70 मिलकर, में 65, 65, देते थे प्रोवाइड करते थे डिलीवर करते थे

नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद जो डिसेबल पीपल हैं उनके के लिए ठीक है उन्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए जो अवार्ड था नेशनल अवार्ड वो 2010 में उन्होंने जीता था सो so, अब आप देख सकते हैं कि दिस इड अबाउट थ्रू लाकरा एंड द कंपनी सेटअप बाय हिम मेरेकल कोरियर्स और किस तरीके से वर्क होता था उस मेरेकल कोरियर्स में कि कुछ अब बैक ऑफिस में कुछ फीमेल है ना डेफ एम्प्लॉइज होती थी और जो डिलीवरी पर्सन होते थे वो भी कैसे होते थे डेफ एंड होते थे तो उन्हें एक्चुअल में क्या काम करना होता है कि बस वो दिए और साइन करवाना होता था इससे ज्यादा तो उन्हें कुछ बोलने की तो कोई नीड होती नहीं थी और रोड मैपिंग ये सब वो इजिली समझ जाते थे एड्रेस वगैरह कैसे करना है आइडेंटिफाई कर लेते थे तो उनके इस विजुअल इंक्लाइनेशन विजुअल पावर का यूज किया उन्होंने कि कहाँ उसका सही यूज हो सकता है स्ट्रेंथ को यूज करना कि जैसे हम बोलते हैं ना अपनी पॉजिटिविटी पे, पे फोकस करो जो तुम्हारे पर स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो कि उसपे नहीं जो तुम्हारे पास नेगेटिव है जो तुम्हारी कमी है उस पर फोकस ना करके अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना सो so, इस तरीके से उनके स्ट्रेंथ उन्होंने उनकी स्ट्रेंथ को पहचाना और उस स्ट्रेंथ को यूज किया ओके सो दिस इज अबाउट द लेसन मेरिकल कोरियर्स So, hope you understood the lesson properly. Thank you, dear students. Thank you for watching.